फेस पे ऑयल कौन लगाता है? फेस ऑयल लगाने से तो फेस बिल्कुल ऑयली और ग्रीसी हो जाएगा। अगर हम एक फेस ऑयल लगाएंगे ना तो मेरे फेस पे दाने हो जाएंगे। इसके अलावा एक फेस ऑयल तो होता है कोमेडोजेनिक, वो हमारे पोर्स को कर देगा क्लॉग। जब हम लेने जाते हैं ना एक फेस ऑयल, बड़े सारे सवाल आते हैं दिमाग में कि हमें फेस ऑयल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो कौन सा लेना चाहिए। देखो पहले थोड़े जो सवाल आप लोगों के दिमाग में आता है उसके बारे में बात करता हूँ। जो एक फेस ऑयल होता है ना वो आपकी स्किन में जबरदस्त हाइड्रेशन भी देता है, जबरदस्त ग्लो भी देता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे फेस ऑयल्स होते हैं जो नॉन कोमेडोजेनिक होते हैं, तो वो आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करते और ना ही आपके फेस पे एक्ने नहीं होने देते। सारे फेस ऑयल ऑयली नहीं होते, कुछ फेस ऑयल ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ही लाइट वेट और नॉन ग्रीसी होते हैं, और वो ऑयली स्किन वाले भी लगा सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है और आपको लगता था कि फेस ऑयल मेरे लिए तो है ही नहीं, तो आप हाईली मिस्टेकन हो। आपकी स्किन कोई भी कैटेगरी की हो, कोई भी टाइप की हो, आप एक फेस ऑयल यूज कर सकते हो। आपको पता है क्या, जो एक फेस ऑयल होता है ना, जितना डीप हाइड्रेशन एक फेस ऑयल दे सकता है वो कोई भी प्रोडक्ट नहीं दे सकता। आपको वंस इन अ वाइल अपने फेस को मसाज करना ही चाहिए विद अ फेस ऑयल, वो आपके फेस पे एक लिफ्टिंग इफेक्ट भी देगा और हाइड्रेशन तो भाई पूछो मत भर भर कर देगा। मैं आज की वीडियो में आपको ऐसे 7 अमेजिंग फेस ऑयल्स बताने वाला हूँ जो आप इजीली पिक कर सकते हो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज हर ऑयल आपकी स्किन के लिए नहीं बना। तो आपको पहले हल्का सा पैच टेस्ट लेना चाहिए या फिर थोड़ा गूगल कर लेना चाहिए बिफोर बाइंग अ फेस ऑयल। बट अगर आपकी स्किन ड्राई है ना, तब तो फेस ऑयल आपके लिए किसी मैजिक से कम नहीं है। सुपर हाइड्रेशन देंगे और फ्लेकी स्किन पूरी तरह हटा देंगे। जो फेस ऑयल हम डिस्कस करने वाले हैं ना वो वेरी इजीली अवेलेबल है, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा मेरे पास ही मिल जाएंगे, तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। बट फिर भी अगर पड़ोस वाली दुकान पर मिले तो पहले प्रायोरिटी उसको दो। अगर कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता तो हम बैठे हैं आपके लिए। अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और आप लोगों को बताते हैं 7 अमेजिंग फेस ऑयल्स जो आपको ट्राई करने ही चाहिए दिस विंटर्स। नंबर 1, कोकोनट ऑयल। दादी नानी का ये फेवरेट ऑयल ट्रेडिशनल टाइम से यूज किया जाता है फॉर स्किन केयर एंड हेयर केयर, और ये ऑयल इतना ज़्यादा सेफ होता है कि बेबी मसाज में भी इसको सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, अगर आप एक कोकोनट ऑयल फेस के लिए ले रहे हो तो आप मेक श्योर करना वो वर्जिन कोकोनट ऑयल हो। जो वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है वो आजकल बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ किया जाता है। मेन रीज़न ये है कि उसके अंदर होती है एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़, वो मेक श्योर करती है आपके स्किन में कोई इन्फेक्शन होने ही ना दे। अगर आप ड्राई और फ्रेश कोकोनट खाते हो या फिर कोकोनट ऑयल लगाते हो तो आपकी स्किन पे हमेशा एक ग्लो बना रहेगा। वो सुपर हाइड्रेशन देने का काम करती है और आपकी स्किन का टेक्सचर इंप्रूव करती है। पर आपने एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है, ऑयली है, तो आपको कोकोनट ऑयल स्किप कर देना चाहिए, बिकॉज कोकोनट ऑयल कोमेडोजेनिक होता है, आपके पोर्स को क्लॉक कर देता है। तो आप बाकी लिस्ट देख सकते हो और उसमें से एक फेस ऑयल पिक कर सकते हो। बट अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है ना, तो कोकोनट ऑयल से बढ़िया आपके लिए कोई ऑयल रहने ही नहीं वाला। आप इसको फेस, बॉडी, हेयर तीनों जगह अप्लाई कर सकते हो। यूजेज की अगर मैं बात करूँ, आप नहाने से पहले 20 मिनट्स पहले अपने फेस और बॉडी पे अच्छे से लगा लो, देन आप इसको वॉश ऑफ कर सकते हो, और बालों पे भी लगा सकते हो, डैंड्रफ कभी भी नहीं होने देगा, जो एक कॉमन समस्या है विंटर में। ये प्रॉपर शाइन ऐड करेगा और प्रॉपर हाइड्रेशन भी देगा। नंबर 2, रोज हिप ऑयल। ये वन ऑफ द बेस्ट फेस ऑयल है। उसका मेन रीजन ये है कि ये बड़ा ही अमेजिंग ढंग से आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। आपकी स्किन अगर ऑयली, आप तब भी रोजहिप ऑयल को यूज कर सकते हो, बिकॉज ये लाइट इन टेक्सचर होता है और बिल्कुल नॉन ग्रीसी और नॉन स्टिकी होता है, जल्दी से आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अंदर होता है विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई, जो आपकी स्किन को प्रीमैच्योर एजिंग से प्रोटेक्ट कर रखता है, प्रॉपर हाइड्रेशन तो देता ही और जबरदस्त वाला ग्लो ऐड करता है आपके फेस पे। ड्राई स्किन वालों के लिए तो रहने वाला है बड़ा ही शानदार, बट ऑयली स्किन वालों को ये चिपचिपा नहीं लगेगा। सबसे पहले झुर्रियां आ जाना, फाइन लाइंस आ जाना, ये उसको प्रॉपरली दूर करने का काम करता है। आप इसको अगर यूज करने का प्लान कर रहे हो तो आप इसको एज अ लास्ट स्टेप ऑफ योर स्किन केयर रात में यूज कर सकते हो, या फिर आपने थोड़ी सी क्वांटिटी ली और अपने फेस में डैब डैब कर ली, एंड दैट इज इट। ये आपको पॉल्यूशन के इफेक्ट से भी प्रोटेक्ट कर रखेगा अगर आप इसको दिन में लगाते हो। नंबर 3, आर्गन ऑयल। अगर कोई फेस ऑयल इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर है तो वो आर्गन ऑयल ही है। शैम्पू से लेकर हमारे स्किन केयर में हर प्रोडक्ट में आर्गन ऑयल यूज होता है। उसका मेन रीजन ये कि बिल्कुल ही लाइट इन टेक्सचर होता है और हमारी स्किन और हेयर के लिए वंडर्स ऐड करता है। इसके अंदर होता है विटामिन ई एंड एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारी स्किन को हाइड्रेशन देने के साथ साथ हमारे को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर रखता है। ये वाला ऑयल आप यूज कर सकते हो अगर आपकी स्किन ऑयली है तब भी, बिकॉज ये नॉन कोमेडोजेनिक है, और जो हमने इससे पहले रोज हिप ऑयल डिस्कस किया था वो भी नॉन कोमेडोजेनिक है। तो ये दोनों ऑयल परफेक्ट रहेंगे ऑयली स्किन के लिए।
क्योंकि ये बिल्कुल लाइट होते हैं और जल्दी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। जब आप इसको अप्लाई करते हो आपकी स्किन रिजुविनेटेड फील करती है और आपकी स्किन बिल्कुल ही फ्रेश हो जाती है। यूसेज का बिल्कुल इजी तरीका, आपने थोड़ी सी क्वांटिटी ली, अपने हाथों पे अच्छे से रब किया और डैब डैब कर लिया अपनी स्किन में टिल इट्स अब्सॉर्ब। दिन में भी लगा सकते हो, रात में भी लगा सकते हो, बट अगर आपकी स्किन ऑयली है तो सबसे बेस्ट टाइम है रात का, बट ड्राई स्किन वाले डे और नाइट दोनों टाइम लगा सकते हैं। नंबर 4, होहोबा ऑयल, जिसको हम लोग जानते हैं जोजोबा ऑयल के नाम से। ये भी बड़ा कमाल का फेस ऑयल होता है हमारी स्किन के लिए। ये पहला ऑयल है हमारी लिस्ट का जिसके अंदर है ऑयल बैलेंसिंग प्रॉपर्टीज। ये ऑयली स्किन वालों के लिए सबसे बेस्ट है अब तक की हमारी पूरी लिस्ट में, बिकॉज बिल्कुल ही नॉन स्टिकी है। इसकी सबसे खास बात यह है, जो हमारी स्किन में ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होते हैं ये उनको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता, ना वो ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे ना वो कम करेंगे, जैसे उनकी प्रोडक्शन है वैसे ही रहेगी। बट ये प्रॉपर हाइड्रेशन देने का काम करेगा, ये मेक श्योर करेगा आपकी स्किन को प्रीमेच्योर एजिंग से प्रोटेक्ट करे और साथ में आपके फेस पे सुपर वाला ग्लो ऐड करे। तो आप अगर परेशान हो कि मुझे कोई फेस ऑयल पसंद ही नहीं आता, ट्राई जोजोबा ऑयल एंड यू विल श्योरली लव इट। यूजेज का सिंपल सा तरीका है, अपने हाथ में थोड़ी सी क्वांटिटी ली और डैब डैब कर लिया अपनी स्किन में जब तक अब्सॉर्ब ना हो जाए। आप अगर चाहो अपने फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट या फिर हेयर केयर प्रोडक्ट साथ इसको मिलाकर भी यूज कर सकते हो। नंबर 5, सेसमे सीड्स ऑयल, ऑल्सो नोन एज तिल ऑयल। अब ये बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स देता है हमारे को, अच्छी स्किन, अच्छे हेयर और बढ़िया हेल्थ, ये सब चीजों के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। अगर आप एक परफेक्ट वाला बॉडी मसाज ऑयल ढूंढ रहे हो ना, इससे बढ़िया बॉडी मसाज ऑयल आपको नहीं मिलने वाला। ये एनर्जाइज कर देगा आपकी बॉडी को और प्रॉपर हाइड्रेट तो करेगा ही। ये होता है माइल्डली कोमेडोजेनिक, तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इस ऑयल को स्किप कर सकते हो, बट ड्राई स्किन वाले इसको बखूबी यूज कर सकते हैं। आपकी स्किन को प्रॉपर हाइड्रेशन देगा और जब आप बालों पे लगाओगे तो बालों को अच्छा रखेगा, बालों में बढ़िया शाइन ऐड करेगा। ये भी एक कंप्लीट पैकेज है आपकी बढ़िया स्किन, हेयर और बॉडी के लिए। यूज करने का तरीका बड़ा ज्यादा सिंपल है, आपने थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है तेल ऑयल की, उसको थोड़ा सा वार्म कर लो एंड देन आप अपनी बॉडी पे भी लगा सकते हो, अपनी स्किन पे भी लगा सकते हो, अपने बालों पे भी लगा सकते हो। 30 मिनट्स के लिए रखा, देन आप इसको वॉश ऑफ कर सकते हो। इंस्टेंट ही आपको प्रॉपर मॉइस्चर का बर्स्ट मिलने वाला है और वो होने वाला है 100% नेचुरल। नंबर 6, ऑलिव ऑयल। जो ऑलिव ऑयल होता है ना, पर्टिकुलरली एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, उसके अंदर होता है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन के, जो मिलकर हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी और नरिश्ड रखते हैं, साथ में बालों को भी प्रॉपर मॉइस्चराइज करते हैं। आपको अगर ऑलिव ऑयल अपने रूटीन में ऐड करना है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है आप अपने DIY फेस पैक में ऐड कर लो, अपने बॉडी लोशन में ऐड कर लो या फिर अपनी कोई भी क्रीम में ऐड कर लो, बड़ा ही कमाल रहने वाला है आपकी स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है तो आपको ऑलिव ऑयल स्किप कर देना चाहिए, बट नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए रहता है बिल्कुल ही परफेक्ट। लास्टली नंबर 7, आलमंड ऑयल। अब जब लास्ट फेस ऑयल है हमारी लिस्ट का तो वो होना चाहिए बिल्कुल ही बेस्ट। अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मेरा फेवरेट है आलमंड ऑयल। मैं इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, स्पेशली विंटर्स में। मेरी स्किन ऑयली है, मैं फिर भी आलमंड ऑयल बड़ा यूज़ करता हूँ। मेरा तो सबसे सही तरीका यही है कि मैं एलोवेरा जेल लेता हूँ, 2 चम्मच ली और 1 चम्मच डाल दिया बादाम का तेल, मिक्स कर लिया, बहुत सुंदर सी क्रीम बन जाती है, उससे मैं मसाज कर लेता हूँ। हाइड्रेशन भी पूरा मिल जाता है, ग्लो भी पूरा मिल जाता है और मैं उसको अपने अंडर आई एरिया पे भी लगाता हूँ ताकि पफिनेस और डार्क सर्कल्स ना हो। तो इस ढंग से आप आलमंड ऑयल को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको उसको डायरेक्टली यूज़ करना है तो थोड़ी सी क्वांटिटी ली हाथों पे, रब की और अपने फेस पे डैब डैब कर लिया। इससे अच्छा मॉइस्चराइजर आपको नहीं मिलने वाला अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप थोड़ा सा उसमें चाहो तो एलोवेरा मिला सकते हो, थोड़ा सा रोज वाटर मिला सकते हो, थोड़ा सा नॉन स्टिकी हो जाएगा। आलमंड ऑयल आपको इतने मल्टीपल फायदे देता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो अगर आपका वो देखने का मन हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। उस पर मैंने मल्टीपल तरीके बताए हैं कि कैसे आलमंड ऑयल आपके ब्यूटी रूटीन को अलग ही लेवल पर ले जाकर रख सकता है। आलमंड ऑयल होता है वो भी लाइट इन टेक्सचर होता है और नॉन कोमेडोजेनिक होता है, तो सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं और ऑयली स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करने वाला। आप भी अगर आज से पहले एक फेस ऑयल यूज नहीं कर रहे थे तो आज के आज एक फेस ऑयल को ऐड करो अपने स्किन केयर रूटीन में। आपको बढ़िया स्किन मिलने वाली है और शाइनी बॉडी मिलने वाली है, प्रॉपर हाइड्रेटेड। कोई भी बॉडी लोशन आपको फेस ऑयल से बढ़िया हाइड्रेशन नहीं दे सकता, ना आपके फेस को दे सकता है। जितने भी फेस सीरम होते हैं ना, उससे कंपैरेटिवली थिकर होता है एक फेस ऑयल, तो आपकी स्किन के लिए बड़ा ही कमाल रहता है। आपने वाइजली पिक करना है, मैंने 7 बढ़िया फेस ऑयल बता दिए, तो अपने अकॉर्डिंग एक फेस ऑयल चूज करो। कोई भी फेस ऑयल खरीदना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप वहां जाके वो प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो, आपके डोर स्टेप पे वो प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी आनंद उठा पाएं और अपना बेस्ट फेस ऑयल इजिली पिक कर पाएं। तब तक हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट रोहित सचदेवा, गुड बाय।